बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब महोदय, आपने मुझे दिल्ली सरकार के केजरीवाल साहब के बजट पर बोलने का मौका दिया। इस अवसर पर मैं माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा राव फूले जी को याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने भारत में 1 जनवरी 1848 को भारत की महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, और इसलिए याद करना चाहता हूं कि उससे पहले भारत में महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, उनके लिए पढ़ने के लिए कोई स्कूल न था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर किसी समाज की तरक्की के पैमाने को मापना हो तो उस समाज की महिलाओं की तरक्की और उनके एजुकेशन को एक बार देख लो, तो समाज का आईना सामने आ जाएगा कि समाज ने कितनी तरक्की की है। माता सावित्रीबाई फूले जी ने फातिमा शेख जी की मदद से 1 जनवरी 1848 को फुलेवाड़ा में पूना के अंदर भारत की महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, और आज मुझे शर्म आ रही है कि केंद्र की सरकार ने एजुकेशन के बजट को घटाते घटाते 2.9% के आसपास कर दिया। 2.9 के करीब आप चेक कर लीजिए। एक तरफ दिल्ली की सरकार है जिसने एजुकेशन पे लगभग 21% बजट देकर समाज की तरक्की का रास्ता प्रशस्त किया है, और एक तरफ केंद्र की सरकार है जिसने एजुकेशन के बजट को घटाकर केवल लगभग 2.9% कर दिया। इसका मतलब केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, फर्जी मोदी की गारंटी देती घूम रही है। वो चाहती नहीं है कि देश तरक्की करे। एक तरफ हम सपना देखते हैं कि भारत विश्वगुरु बने, दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बने, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने दोस्त को दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी बनाने के चक्कर में पूरे देश को गरीब कर रहे हैं। ऐसे देश तरक्की कैसे करेगा? जब तक आप एजुकेशन का बजट नहीं बढ़ाएंगे तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। और मुझे आज शर्म इसलिए ज्यादा आ रही है, एक समय देश की सरकारों ने तय किया था कि चूंकि बच्चों को दूर स्कूल जाना पड़ता है कई कई किलोमीटर पैदल चलकर, तो विशेष रूप से 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर लड़कियां पढ़ने नहीं जा सकती, लड़के भी नहीं उतनी मात्रा में जा सकते। इसलिए सरकारों ने तय किया था कि गांव गांव में स्कूल खोलो ताकि लड़कियां पढ़ सके और लोग ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। लेकिन मुझे आज बड़ा दुख है, दुख और पेन के साथ मैं कह रहा हूं, आई एम रियली पेन्ड, बड़े दुखी मन से कह रहा हूं, केंद्र की सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर स्कूलों को मर्ज करने की स्कीम लाकर कई कई गांव के स्कूलों को बंद करके एक स्कूल बनाकर फिर से वो पुरानी स्थिति वापस लौटा दी, जहां बच्चों को 6-6, 7-7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई को छोड़ देंगे। क्या हम भारत को फिर से 18वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं? क्या हम इस तरह भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं? आपकी नीयत है ही नहीं कि भारत तरक्की करे। एक तरफ आपने एजुकेशन को देश की कमजोर कर दिया, दूसरी तरफ पिछले 15-20 सालों में पूरे देश के अंदर, माननीय अध्यक्ष महोदय, 15-20 सालों में 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। हम देश को किधर ले जाना चाह रहे हैं? ये विश्वगुरु बनाने का कार्य तो कतई नजर नहीं आता। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा अरविंद केजरीवाल सर का कि जब से 2015 में हमारी सरकार बनी है तब से लगातार एजुकेशन को बजट को बढ़ाकर एजुकेशन पे हमने
पूरे देश को किस तरह दे दुनिया में देश आगे बढ़ सकता है, विश्वगुरु बन सकता है, उसका मार्ग दिल्ली ने प्रशस्त किया, अरविंद जी की सरकार ने प्रशस्त किया। और इस बार लगभग 21% बजट एजुकेशन पर दिया है। इसके लिए मैं अरविंद जी का भी और हमारी बहन शिक्षा मंत्री आतिशी जी का भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ अगर मानव का शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसका दिमाग भी स्वस्थ नहीं हो सकता। यह बड़े दुख की बात है कि पूरे देश का हेल्थ के ऊपर 2% से भी कम बजट है केंद्र सरकार का। यह कितनी शर्मनाक बात है। ऐसे अगर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उनके स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त बजट नहीं होगा, और एक तरफ आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं लेकिन उसमें टर्म कंडीशंस ऐसी हैं कि लोग उसका फायदा ही नहीं उठा सकते। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे स्कीम इज मेड इज डिजाइन इन सच ए वे टू फेल द स्कीम। यानी स्कीम तो बनाओ लेकिन लोग उसका फायदा ना उठा पाए, ये बिल्कुल उस प्रकार है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। केंद्र के माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री जी ने लखनऊ के अंदर लगभग 2018-19 की बात है, माइनॉरिटीज अफेयर्स मंत्रालय ने एक वहां पे मीटिंग बुलाई और देश के जितने भी माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री हैं उनको वहां बुलाया। बाई चांस मुझे उसमें जाने का मौका मिला तो सारे राज्यों के जो जो बीजेपी शासित राज्य थे सब लोग केवल उनकी तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैंने कहा माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय को एक सुधार करना चाहिए कि माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बना है, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो उनको लोन देने का काम करता है। लेकिन उसकी शर्त ऐसी है कि जिस परिवार की ग्रामीण क्षेत्र के जिस परिवार की सालाना इनकम 65,000 से कम हो केवल वो लाभ उठाएंगे, और शहरी क्षेत्र में जिसके पूरे परिवार की इनकम 1,25,000 सालाना से कम हो केवल वो उस लोन को ले सकते हैं, वो केवल फायदा उठाएंगे। मैंने कहा कि मेरे दिल्ली के अंदर तो मिनिमम वेज वही लगभग 2,00,000 रुपए से ऊपर है, तो फिर मेरे दिल्ली का तो माइनॉरिटी समाज इस लोन को ले ही नहीं सकता। इसका मतलब आपने तो स्कीम इसलिए बनाई है ताकि नाम को स्कीम दिखा दे कि माइनॉरिटी का विकास करना है लेकिन उनको कुछ देना नहीं है। तो उसी प्रकार यहां हेल्थ, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है और आप स्वास्थ्य का बजट भी कम करते जा रहे हैं, स्वास्थ्य पे पैसा ही नहीं खर्च कर रहे, तो जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आदमी मन से डिप्रेशन में रहेगा, और जब मन स्वस्थ नहीं होता तो कभी भी आदमी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा अपनी सरकार का कि उन्होंने कंप्लीट की हेल्थ का बजट। अध्यक्ष महोदय या तो मैं बंद करता हूं वरना मुझे आप बोलने का पूरा टाइम दीजिए। काम आपके पास बिजनेस कितना है बचा है? सबकी समय सीमा है तो मैं आज अब खत्म करता हूँ, मुझे जब दोबारा अगला लगेगा उस दिन दे देना मौका। 5 से 10 मिनट सबको दिया जा रहा है और आप नहीं, अगर आप देंगे तो मैं बोलूंगा वरना मैं नहीं बोलूंगा। आपको बोलते हुए पूरे 8 मिनट हो गए। अगर आप मुझे मेरा भाषण पूरा करने देंगे तो मैं बोलूंगा वरना मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अगले 5 मिनट में कम्प्लीट करिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमने जहां केंद्र की सरकार ने 2% से भी कम हेल्थ पे बजट दिया, वहीं हमारी सरकार ने 11% से ज्यादा हेल्थ पर बजट दिया। दिल्ली के लोग स्वस्थ हो रहे हैं क्योंकि हम हेल्थ पे ज्यादा बजट दे रहे हैं, इसलिए दिल्ली के लोग स्वस्थ हो रहे हैं। इसी वजह से यही कारण है कि दिल्ली के लोगों की आय, प्रति व्यक्ति आय पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। क्योंकि जब आदमी एजुकेट होगा, शरीर से स्वस्थ रहेगा, दिमाग अच्छा चलेगा तो वो तरक्की के लिए काम करेगा। और आज इसमें कोई शक नहीं है कि सीवर का लाइन बिछाने का मामला हो या पानी का बिछाने का मामला हो, वो लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है, चीजें काफी सुधर रही है,
ट्रांसपोर्ट पहले से बेहतर हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पावर में तो कमाल हुआ है, बिजली कट्स बंद हो गए। मुझे आज भी याद है, एक समय था मेरी गली में एक मंत्री जी रहते थे, लाल बिहारी तिवारी जी, गोंडा में सांसद बाद में बने। जब 1993 में पहला चुनाव हुआ उस वक्त वो जीत के आए और नागरिक आपूर्ति मंत्री बने, जो आज इमरान हुसैन जी हैं। वो अलग बात है, उसी में उन्होंने अपने सारे बच्चे दिल्ली की सरकार में लगवा दिए, सारे पक्के करवा दिए, कच्चे लगा के सबकी नौकरी लग गई। और आज हमारा एक मंत्री एक आदमी नहीं लगा सकता। तो मैं उनकी याद दिला, मेरे इसलिए याद आ गई कि आज जो घरों के अंदर हमने बैटरियां लगाई थी, इन्वर्टर्स लगाए थे, आज उनकी जरूरत नहीं है अध्यक्ष जी, इन्वर्टर्स खत्म हो गए। और उस वक्त उनकी याद इसलिए आई, एक बार ट्रांसफार्मर गोंडा में हमारे यहाँ का क्षेत्र का खराब हो गया। मैं उनके घर पे गया, मैंने कहा मंत्री है, ट्रांसफार्मर तो जल्दी लगवा दो। उन्होंने कहा मैं जल्दी प्रयास कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ, 1994-95 की बात है, ट्रांसफार्मर लगने में उस वक्त 7 दिन लगे, 7 days। और एक आज है, ये बेटर इन्वेस्टमेंट गिव्स बेटर प्रोडक्टिविटी। अच्छा इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो सरकार ने हर क्षेत्र में अच्छा इन्वेस्टमेंट किया तो अच्छा रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। आज बिजली नहीं जाती, और ट्रांसफर खराब होने की तो बात सुनना ही बंद हो गई। अब कोई ट्रांसफार्मर खराब नहीं होते, पता ही नहीं लगता खराब हुआ है, ठीक कब ठीक हो गया। तो इस तरीके से, और फिर फ्री बिजली, फ्री पानी, बसों में यात्रा फ्री। और इसमें मैं आज आतिशी जी का और माननीय अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो जो महिलाओं के लिए 1000, आप इस 1000 मत देखिए, मैं इसको सही व्याख्या करके बताता हूँ। अगर उनके माता पिता 60 साल से ऊपर हैं तो दोनों के 4000 तो वो हो गए पेंशन के, और अगर 70 साल से ऊपर हैं तो 5000 तो माँ बाप के हो गए, यानी बच्चे के दादा दादी के। और घर में एक बेटी है और माँ है, 1000 उनके हो गए, 5 और 2 7000। उसके बाद बिजली फ्री और पानी फ्री का जोड़ लो, यानी कि कम से कम 10000 रुपया प्रति माह उस परिवार को फायदा हो रहा है। निश्चित तौर पर इसलिए दिल्ली के लोग तरक्की करने में आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल, चूंकि आपने 5 मिनट दिए तो मैं लास्ट में आता हूं। हमारे ये जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, ये पहले SC ST OBC मंत्रालय के साथ थी, लेकिन आज दिल्ली में माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय नहीं है, वो विभाग रिवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दिया, DM को दे रखा है, एक DM को। इसीलिए माइनॉरिटीज के लिए कोई स्कीम नहीं है। मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करता हूं, वो कैबिनेट में लाके उस विभाग को उनसे वापस ले, DM से, और उसे अपने किसी मंत्री को दे, ताकि माइनॉरिटी समाज के विकास के लिए कोई योजना बन सके। दूसरा, मैं बड़े दुख के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो पूरा जीवन जलाया, अपने 5 में से 4 बच्चे गंवा दिए। जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को 35-36 साल की उम्र में गंवा दिया, और पूरा जीवन अपना जलाकर तब वो हमारे लिए कहीं विकास के रास्ते बनाकर गए। ये जो हमें रिजर्वेशन मिला है ना नौकरियों के लिए, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से मिला है। ये जो हम आज MLA और मंत्री बने बैठे ना पूरे देश के अंदर, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अगर ये रिप्रेजेंटेशन ना दिलवाते तो हमें मिलता नहीं। लेकिन पूना पैक्ट जिस दुखी मन से उनको करना पड़ा, जो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल मांगा था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगा था, वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र मजबूरी में गांधी जी की जान बचाने के लिए और अपने पूरे समाज के कतलेआम को बचाने के लिए जो समझौता करना पड़ा 24 सितंबर 1932 को, उसके तहत ये जो हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला उसमें एक धोखा हो गया। वो सेपरेट इलेक्टोरेट इसलिए चाहते थे पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ताकि SC ST के सांसद विधायक को SC ST के लोग चुने। वो जानते थे कि अगर ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होंगे, सब लोग उसको वोट डालेंगे,
तो उसके बाद वो उनका सच्चा प्रतिनिधि नहीं होगा, वो उनकी बात नहीं कर सकता, उनके मुद्दे नहीं उठा सकता। आज पूरे देश के अंदर एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी के जो एमएलए और सांसद हैं वो गूंगे बहरे बन के बैठ गए, बोल नहीं पाते वो। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। हमने पिया है, हमने पिया, हम धाड़ेंगे, तो हमें बोलना पड़ेगा। चुप तो वो रहेगा जिसको आता नहीं कुछ, जो पढ़ेगा वो बोलेगा। आपके भी घर पे समाज के लोग आते होंगे, आपसे पूछते होंगे आप क्या क्या योजना बना रहे हो समाज के लिए, क्या कर रहे हो। हमारे सारे विधायक साथियों के पास भी आते होंगे, मेरे पास पूरे देश से लोग आते हैं और दिल्ली के लोग भी आते पूछते हैं। तो मैं दुखी मन से कह रहा हूं, आज इस अफसरशाही ने, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी या हमारे मंत्री जी काम नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकता। जो सबके लिए कुछ ना कुछ दे रहा है और वो एससी एसटी को कुछ ना दे, मैं कभी नहीं मान सकता। लेकिन मैं दुखी मन से कह रहा हूं कि केंद्र की सरकार ने अफसरों को, बाकायदा अफसरों को, ऐसे ऐसे अफसरों को लगाया एससी एसटी डिपार्टमेंट के अंदर कि अगर 2015-16 से अब तक का अगर डाटा देखें आप चौंक जाओगे। बजट 30,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 76,000 करोड़ पर पहुंच गया, लेकिन एससी एसटी का बजट जो 2015-16 में रिवाइज बजट 397 करोड़ था, वो रिवाइज बजट घटते घटते 2022-23 में 225 करोड़ पे आ गया। और अगर खर्च पे जाओगे तो पता लगेगा 150 करोड़ से भी नीचे आ गया। ये एससी एसटी का बजट खर्च क्यों नहीं हो रहा? मुझे पूरा यकीन है कि सरकार बजट देने में कोई कमी नहीं बरतेगी, उनकी नियत में हमें पूरा भरोसा है कि वो देना चाहते हैं। लेकिन जानबूझ के अफसरशाही ऐसी लगाई जाती है, ना तो कोई स्कीम बन रही है ना वो आगे बढ़ रही है। मंत्री निर्देश देते हैं, अफसर सुनते नहीं है, या मंत्री या अफसरों की इलेक्शन में ड्यूटी लगती है, आते तो फिर बीमार हो जाते, 6-6 महीने या कोई अफसर नहीं रहता एस एसटी डिपार्टमेंट में। और जो आता वो आने से पहले अपना ट्रांसफर कराने की सोचता है मुझे तो ऐसे मंत्रालय में डाल दिया, यहाँ तो कुछ मुझे करना ही नहीं है, यहाँ तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। तो ये विभाग को जो जिस तरह बर्बाद किया जा रहा, बंद किया जा रहा है, इसके लिए भी एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं अपने सारे विधायक साथियों से, आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि बजट जब दुगना 2.5 गुना हो गया तो ये बजट क्यों नहीं बढ़ रहा, और जो दिया जा रहा वो भी खर्च क्यों नहीं हो पा रहा। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाई थी आप सबके सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, मुझे बड़ा दुख के साथ मैं कह रहा हूं वो पिछले 2 साल से अधिक समय बंद पड़ी है। उससे पढ़ के बच्चे आईआईटी में गए, इंजीनियरिंग बने में गए, मेडिकल में गए, उसी से पढ़ के बच्चों की नौकरियां लग गई, लोग पुलिस में गए, रेलवे में गए, बैंक में गए। आज वो बच्चे क्या करे, उनका क्या दोष है, क्या दोष उनका? इन अफसरों ने उस स्कीम को रोका क्यों, स्कीम को पूरा फेल कर दिया। तो मैं निवेदन करता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने, चूंकि मैं जानता हूं मंत्री काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है राजकुमार आनंद जी काम करना नहीं चाहते हो, आप भी मंत्री रही हैं, मैं जानता हूं आपने कितने मन से काम किया होगा। मैं भी 5.5 साल मंत्री रहा हूं, मैं भी जानता हूं कि मैंने कितने मन से अपने समाज के लिए, लोगों के विकास के लिए, योजना बनाने के लिए काम किया। लेकिन जब विभाग में अधिकारियों से सहयोग ना मिले तो ये दुख की बात नहीं है, कैसे रिजल्ट आएगा, ये समाज तरक्की कैसे करेगा, ये समाज हमारे कपड़े फाड़ता है, हमें पकड़ता है, पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया है। आज वो बजट भी घटते घटते 150 करोड़ से नीचे पहुंच गया, खर्च ही नहीं हो रहा, स्कीम जितनी थी सारी बंद हो गई, आज छात्रवृत्ति वाली स्कीम भी लगभग ठप है, सब कुछ लगभग ठप है, क्यों है? मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं, कहते हैं मैं सरकार हूं, तुम सरकार हो तो तुम्हारे अफसर एससी एसटी डिपार्टमेंट को फेल क्यों कर रहे हैं? एससी एसटी ओबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट जिसकी जिस समाज की संख्या दिल्ली के अंदर भी 80% से ज्यादा है, उस समाज के लिए कोई योजना नहीं है? ये अफसर योजना बनाते नहीं है, मंत्री कहते रहते बनाओ, नहीं बना रहे, छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी कुछ चला जाते, काम ही नहीं हो रहा, पूरे समाज सरकार पूरा सरकार को फेल कर रहे हैं, और मंत्री को तो फेल कर ही रहे, हमें भी फेल करने का प्रयास किया, ये पूरी सरकार को बदनाम करने की साजिश है माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पे निश्चित तौर पर कुछ कीजिए, वरना इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हम वाटर पॉलिसी वन टाइम सेटलमेंट लाने के लिए लड़ रहे हैं तो एस एस टी डिपार्टमेंट को तेज गति देने के लिए, उनकी स्कीम्स को तेज गति देने के लिए लड़ना पड़ेगा, तो हम लड़ेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय।